दोस्तों आईपीएल 2021 के लिए किस तरह का है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का पूरा नया स्क्वाड, साथ ही साथ हर एक प्लेयर की सैलरी भी आपको बताने वाले हैं जो कि वो लेने वाले हैं आईपीएल 2021 के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आपको क्या लग रहा है कि आरसीबी की टीम इस स्क्वाड के साथ आईपीएल 2021 का टाइटल जीत पाएगी, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों आईपीएल 2021 के ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने यहां पर 8 बड़े प्लेयर जो हैं वो खरीदे हैं। 2 प्लेयर इन्होंने ट्रेड किए थे, यानी कि 10 नए नाम आरसीबी के स्क्वाड में हमें नजर आने वाले हैं। यहां पर पूरे स्क्वाड की अगर बात करें तो 22 मेंबर का इन्होंने स्क्वाड बनाया है, जिसमें 8 फॉरेनर प्लेयर और 16 इंडियन प्लेयर जो हैं वो शामिल है, यानी कि पूरे 25 मेंबर का स्क्वाड इस साल भी आरसीबी का जो है हमें नजर नहीं आने वाला। चलिए दोस्तों स्क्वाड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं बैट्समैन की। तो सबसे पहले हैं विराट कोहली जो कि है टीम के कैप्टन, और इनकी जो प्राइस है सैलरी है वो है 17 करोड़ रुपए। अगले बैट्समैन है दोस्तों एबी डिविलियर्स, 11 करोड़ रुपीस की प्राइस में। अगले बैट्समैन है देवदत्त पाडिकल, जिन्हें इन्होंने रिटेन किया था 20 लाख रुपए की प्राइस में। अगले है दोस्तों जोसिया फ्लिपी, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, 20 लाख रुपए इनकी भी जो है वो है प्राइस। इनके बाद दोस्तों सचिन बेबी को इन्होंने 20 लाख रुपए में ऑक्शन में जो है वो खरीदा है। इनके बाद अगले बैट्समैन है रजत पाटीदार, 20 लाख रुपए में इन्हें भी जो है खरीदा है आरसीबी की टीम ने। प्रभु देसाई को 20 लाख रुपए में खरीदा है, ये भी दोस्तों बैट्समैन है। केएस भरत 20 लाख रुपए की प्राइस में आए हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्क्वाड में। और आखिरी बैट्समैन है दोस्तों मोहम्मद अजरुद्दीन, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, 20 लाख रुपए की प्राइस में आरसीबी की टीम ने इन्हें जो है वो खरीदा है। तो ये थे दोस्तों बैट्समैन। अब बात करें अगर ऑलराउंडर्स की, तो यहां पर काफी सारे ऑलराउंडर हैं। सबसे पहले वॉशिंगटन सुंदर 3.2 करोड़ रुपीज की प्राइस में। अगले हैं दोस्तों शहबाज अहमद 20 लाख रुपए की प्राइस में। अगले हैं पवन देश पांडे 20 लाख रुपए की प्राइस में। डैनियल सैम्स 20 लाख रुपए की प्राइस में, जिन्हें ये ट्रेड कर लाए थे। हर्षल पटेल की भी प्राइस है दोस्तों 20 लाख रुपए, इन्हें भी ये ट्रेड कर लाए थे। ऑक्शन में इन्होंने खरीदा है ग्लेन मैक्सवेल को, सबसे बड़ी बाय इनकी है, वन ऑफ द यहां पर 14.25 करोड़ रुपीज में ग्लेन मैक्सवेल जो है वो आए हैं यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्क्वाड में। और जो आखिरी ऑलराउंडर है वो है दोस्तों डैनियल क्रिश्चियन, 4.8 करोड़ रुपीज की प्राइस में डैनियल क्रिश्चियन को खरीदा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने। तो ये सारे ऑलराउंडर है दोस्तों आरसीबी के स्क्वाड में आईपीएल 2021 के लिए। बात करते हैं स्पिनर की, तो 2 स्पिनर है टीम के पास। सबसे पहले युजवेंद्र चहल 6 करोड़ रुपीज की प्राइस में, और दूसरे हैं दोस्तों एडम जाम्पा 2 करोड़ रुपीज की प्राइस में। और एंड में दोस्तों अब बात करते हैं फास्ट बोलर्स की, तो यहां पर काफी अच्छे अच्छे फास्ट बोलर भी हैं आरसीबी के पास आईपीएल 2021 के लिए। मोहम्मद सिराज सबसे पहला नाम है, 2.6 करोड़ रुपीज इनकी प्राइस है, और रिसेंट फॉर्म काफी कमाल की जो है इनकी नजर आई है। अगले हैं दोस्तों नवदीप सैनी 3 करोड़ रुपीस की प्राइस में। केन रिचर्डसन है 4 करोड़ रुपीस की प्राइस में, और इनकी सबसे बड़ी बाय इस ऑक्शन में वो है दोस्तों काइल जेमिसन, न्यूजीलैंड के ये फास्ट बोलर हैं, और 15 करोड़ रुपए इन्हें पे किए हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने। सबसे बड़े यहां पर दोस्तों ये बाय हैं आरसीबी की टीम के 15 करोड़ रुपए के। और इस तरह का 22 मेंबर का जो स्क्वाड है वो है आरसीबी की टीम का आईपीएल 2021 के लिए, जहां पर दोस्तों इन्होंने 10 नए प्लेयर जो हैं वो लेकर आए हैं। 8 प्लेयर इन्होंने ऑक्शन में खरीदे हैं, वहीं 2 प्लेयर जो हैं ये ट्रेड कर भी लेकर आए थे। तो काफी अच्छा स्क्वाड आरसीबी की टीम का लग रहा है आईपीएल 2021 के लिए। ऑलराउंडर्स के ऊपर इन्होंने अच्छी खासी बिडिंग करी है, जहां पर ग्लेन मैक्सवेल को ये जो है वो खरीद कर लाए हैं। वहीं दोस्तों डैनियल क्रिश्चियन, जिनका रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, उन्हें भी इस ऑक्शन में इन्होंने 4.8 करोड़ रुपीज में अपने नाम जो है वो किया है। तो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों आरसीबी का ये नया स्क्वाड आईपीएल 2021 के लिए, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। हम दोस्तों यहां पर लगातार हर एक टीम का स्क्वाड आपको बताने वाले हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती अगले, तो वहां पर आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।